तो दोस्तों, क्या आपके भी दिमाग में ये सवाल आता है कि सभी गाड़ियों के फ्रंट ब्रेक्स रियर ब्रेक से बड़े और बेटर क्यों रहते हैं? इसके पीछे का कारण है वेट डिस्ट्रीब्यूशन। चलती गाड़ी में आप जब भी ब्रेक लगाते हो तब वेट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रंट की तरफ बढ़ती जाती है। अंडर हार्ड ब्रेकिंग जो फ्रंट का वेट डिस्ट्रीब्यूशन है ऑलमोस्ट 70-75% बढ़ जाती है। इसी कारण से फ्रंट ब्रेक्स रियर ब्रेक से बेटर और बड़े रहते हैं। अगर आप 10 लाख की रेंज की गाड़ियों को देखोगे तो फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने मिलेगा और रियर में ड्रम ब्रेक्स। और अगर कोई प्रीमियम गाड़ी को देखोगे तो फ्रंट में डिस्क ब्रेक एंड पीछे भी डिस्क ब्रेक। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक इनफीरियर ड्रम ब्रेक्स के साथ ही एफिशिएंटली लगते हैं। ये सेम केस बाइक्स के साथ भी है। अगर आप देखोगे कम्यूटर बाइक्स, उसमें सामने की तरफ डिस्क ब्रेक और पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स आते हैं। और कोई सुपर स्पोर्ट बाइक देखेंगे, एडवेंचर बाइक्स देखेंगे, तो उसमें आपको सामने की तरफ डुअल डिस्क ब्रेक्स देखने मिलेंगे और रियर में सिंगल डिस्क। ऐसे और शॉर्ट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए।